जुलाई 10 को हरभजन और गीता की जिंदगी में एक नन्हा नवाब आया था। जी हाँ, क्रिकेटर और एक्ट्रेस दोनों 10 जुलाई को थे सातवें आसमान पर। भाई दूसरी बार पेरेंट जो बने थे। वेल, अब आपको गीता बसरा की प्रेगनेंसी के दौरान की एक बहुत दिलचस्प बात बताते हैं। अक्सर जहाँ वाइफ्स की डिलीवरी के दौरान हस्बैंड्स उन्हें दर्द में देखकर डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वहीं गीता बसरा ने बताया कि जब वो नॉर्मल डिलीवरी के जरिए अपने सेकंड बेबी को इस दुनिया में ला रही थी, लेबर रूम में हरभजन तस्वीरें खींच रहे थे। कहते हैं ना कि अगर खूबसूरत पलों को कैद कर लिया जाए तो वो उम्र भर की यादें बन जाती हैं। कुछ ऐसा ही हरभजन सिंह ने भी किया। बता दें कि गीता बसरा ने हाल ही में एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने और भी कई दिलचस्प चीजों का खुलासा किया। गीता बसरा ने बताया कि रात को जब बेबी रोता है, जब उसकी नैपी चेंज करनी होती है, तो गीता बसरा की आंख खुलने से पहले ही हरभजन बेबी की नैपीस चेंज कर रहे होते हैं। हरभजन अपने नन्हे नवाब को शेरा कहकर बुलाते हैं। वहीं ये पूछे जाने पर कि उन्हें बेटा ही चाहिए था या फिर बेटी, गीता बसरा ने कहा कि हमें सिर्फ एक हेल्दी बेबी चाहिए था। अगर एक और बेटी हो जाती तो मुझे एक और दोस्त मिल जाती, लेकिन बेटा हुआ है तो इस बार हरभजन को एक बेस्ट फ्रेंड मिला है। ये कहते हुए एक्ट्रेस ने अपनी बात खत्म की। वेल, हरभजन और गीता पेरेंटहुड के इस सफर पर आप दोनों एक बार फिर से चल पड़े हैं और इसके लिए आप दोनों को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द रियली बेस्ट टू यू फॉर दिस एक्साइटिंग जर्नी ऑफ लाइफ। फाइनल कॉट, न्यूज डेस्क।